हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज FCI का लास्ट डे है और मैं 3 जून की फ़र्स्ट शिफ्ट का रिव्यू आपके सामने डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ जिन जिन का भी आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हो चुका है वो प्लीज़ अपने अपने अटैम्प्ट शेयर कीजिए और किस तरह के क्वेश्चन आए थे वो भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला है बच्चों से, कुछ बच्चों से पूछा था, तो एग्जैक्ट तो कुछ क्वेश्चन नहीं पता मुझे, तो प्लीज़ वो मुझे बताना कि पज़ल के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में हमारा RC आया था, RC स्टोरी बेस्ड आ रहा है हर शिफ्ट में, और 10 क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी लेवल के थे, और इसमें एंटोनिम सिनोनिम भी थे एक दो। ठीक है, और एरर डिटेक्शन स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक में थे, तो 5 क्वेश्चन थे, ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। और हाँ, इसमें नया क्या ऐड हुआ, फ्रेजल वर्ब आज आपसे पूछे गए थे, 5 फ्रेजल वर्ब, उनका आपको मीनिंग बताना, डिसाइफर करना था कि क्या मीनिंग है उसका। तो 5 क्वेश्चन थे, ये इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे। यहाँ पे 5 क्वेश्चन बताना मुझे, क्लोज टेस्ट आया था या फिर सिंगल फिलर्स आए थे। ठीक है, तो ये वाला मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, इसका आप मुझे कंफर्म करके बताइए। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन 30 थे और लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। ठीक है, तो 21 से 22 गुड अटैम्प्ट रखते हम। ठीक है, और रीजनिंग में देखते हैं, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई थी, चाइनीज़ कोडिंग, तो इसके 5 क्वेश्चन थे, ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़ पूछी गई थी, जैसे एक नंबर ए दिया है, बी 6, फिर बी 6, ऐसे ऐसे करके फिर कुछ दिया होगा आपको कि ऑपरेशन लगाओ इसमें कुछ, तो 5 क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी लेवल के थे। और जो पज़ल के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली जो 2 जून की जो 3rd शिफ्ट थी, उसमें भी 4 पज़ल्स पूछी गई थी, तो यहाँ पे भी 4, आई थिंक, मुझे लगता है एक सर स्क्वायर बेस्ड हो सकती है या सर्कल बेस्ड, और एक लाइन लीनियर पे हो सकती है या पैरेलल रोज वाली, है ना, इस तरह की हो सकती है, या बॉक्स और फ्लोर बेस्ड पे भी पूछी गई हो सकती है। तो प्लीज़ मुझे कंफर्म करके बताइए कि कितने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे पजल्स के, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम्स हो चुका है, ताकि आने वाले बच्चों को जो आगे की शिफ्ट है उनको हेल्प हो पाए। ठीक है, और सिलोगजम के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ईजी लेवल के थे, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो टोटल 35 क्वेश्चन हो गए, और गुड अटैम्प्ट 25 से 27। ठीक है, अब चलते हैं मैथ्स। मैथ्स में देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, हर शिफ्ट में किसी में 5 पूछ रहे हैं, किसी में 10 पूछ रहे हैं। ठीक है, किसी में अप्रोक्सीमेशन भी पूछी गई थी, 5 अप्रोक्सीमेशन, 5 सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे और काफ़ी ईजी लेवल के थे। नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन थी, ईजी टू मॉडरेट, ये मुझे कन्फर्म करके बताइए कि रॉन्ग नंबर थी या मिसिंग नंबर पूछी गई थी। और DI के 10 क्वेश्चन थे, ये भी मुझे बताना कि कौन सा DI था। मुझे लगता है शायद, क्योंकि हर शिफ्ट में या तो बार ग्राफ पूछा जा रहा है ना, या फिर टेबुलर पे, या फिर लाइन पे, इन पे एक एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, और एक मेरे को लगता है या तो केसले DI आया होगा या फिर पाई चार्ट पे बेस्ड आपसे पूछा गया होगा। ठीक है, 15 मिसलेनियस के क्वेश्चन थे, जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन था, काफ़ी इजी लेवल का था। रेशियो प्रोपोर्शन का था, वो भी काफ़ी इजी लेवल का। और बोट एंड स्टीम से एक क्वेश्चन था, वो भी बहुत इजी लेवल का था। और एवरेज और एजी से एक एक क्वेश्चन, और प्रॉफिट एंड लॉस से था, एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से था, एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था। तो टोटल 15 क्वेश्चन थे मिस लेने से, तो बाकी 20 क्वेश्चन तो आप ऊपर से कर ही सकते थे, चलो 20 नहीं तो 18 तो कर ही सकते थे ना, और 4-5 आप यहाँ से उठा सकते थे, मतलब 25 तक आप गुड अटैम्प्ट मान के चलो क्वांट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। तो ओवरऑल गुड अटैम्प्ट 70 से 76 के बीच में है। ठीक है, तो प्लीज़ अपना अटैम्प्ट शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और विश यू गुड लक जिनका भी अभी 2nd और 3rd शिफ्ट और 4th शिफ्ट में एग्जाम्स है, और प्लीज़ अपना रिव्यू हमसे शेयर कीजिए, ताकि हमें एक ओवरऑल कट ऑफ का मतलब आइडिया मिल पाए, एनालाइज़ कर लें हम सारी शिफ्ट का कि क्या लेवल रहा आज। ठीक है, तो विश यू गुड लक, अच्छे से पेपर दीजिए और बस अच्छे से अपना दी बेस्ट दीजिए परफॉर्मेंस। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।